आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से मसीही लोग सुरक्षित नहीं हैं। जब से भाजपा सरकार आई है तब से मसीही लोग या ईसाई लोग सुरक्षित नहीं हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको सताया जा रहा है अलग अलग राज्य में, और ज़्यादातर करके जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर मसीही लोगों को सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है, और जहाँ पर भाजपा लोग कार्यकर्ता है, मंत्री है, विधायक है, वहाँ पर मसीही लोगों को सताया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, एक मसीही वेबसाइट ने इसका सर्वे किया है कि भारत में जो मोदी सरकार आई है या फिर 2021 में मसीही लोगों के ऊपर जो हाव हुआ है उसके ऊपर एक सर्वे किया है, और उसने एक रिपोर्ट बनाई है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों किस प्रकार से मसीही लोग नरेंद्र मोदी की सरकार में सुरक्षित नहीं है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें क्योंकि आज मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। मोदी सरकार में सिर्फ मुसलमान नहीं, ईसाइयों पर भी बढ़ रहे हमले। सत्ता संरक्षित गुंडे अब खुलेआम नरसंहार का कर रहे हैं आह्वान। अक्टूबर 2021 में क्रिश्चियंस अंडर अटैक इन इंडिया नाम से आई रिपोर्ट के अनुसार साल के पहले 9 महीने में ही देश के 21 राज्यों में ईसाइयों पर 300 से अधिक हमले हुए हैं, पर केवल 49 या 49 के ऊपर ही जो केस दर्ज हुआ है। सबसे खतरनाक तथ्य यह है कि इसमें से 288 हमले भीड़ द्वारा किए गए हैं। शायद ही कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा न लगाया हो, पर हरेक नारे के बाद देश में बीजेपी की इससे हिंसक समर्थकों की कट्टरवादी हिंदू संगठनों की ओर से पुलिस की धार्मिक संकीर्णता पहले से अधिक बढ़ गई है या सबके सामने है। अब तो कैमरे के सामने माइक थामे भगवादारी और अनेक राजनेता भी खुलेआम एक धर्म के लोगों को मौत के घाट उतारने का आह्वान या प्रचार या बयान देते हैं। जनता ताली बजाती है, मीडिया इसे बार बार दिखाता है और फिर हिंसा का तांडव होता है। पुलिस अचानक सक्रिय होती है और हत्यारों और हिंसा करने वालों को बचाने में जुट जाती है और पीड़ितों पर ही केस दायर करके अपनी वर्दी को दाग दाग करती है। यह सिलसिला वर्ष 2014 से लगातार चला आ रहा है। मामले बढ़ते जा रहे हैं, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। अगले चुनाव तक हिंसा फैलाने वालों या तो पार्टी पदाधिकारी बन जाते हैं या फिर चुनाव में खड़े हो जाते हैं। हत्यारे को बचाने वाले पुलिस अधिकारी समय से पहले पदोन्नति पाकर इनाम पाते हैं, कुछ को तो पुरस्कार भी दिया जाता है। अब तो यह सब एक रूटीन जैसा हो गया है, और यदि आप जागरूक हैं तो आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि किस मौके पर ऐसी हिंसा होने वाली है। ईसाइयों के लिए क्रिसमस का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। सरकार और उसके हिंसक समर्थकों का रवैया देखकर आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम बीजेपी शासित प्रदेशों में ईसाइयों पर हिंसा होगी और चर्च के अंदर जय श्री राम का नारा गूंजेगा, पुलिस मुख दर्शन रहेगी और अंत में भगवा ब्रिगेड कहीं और हिंसा कर रहा होगा और पीड़ित गुनाहगार के तौर पर न्यायालय में पेश किए जाएंगे। सप्ताह पहले क्रिसमस के दिन देश भर में लगभग 50 जगहों पर ईसाइयों, धर्मगुरुओं या चर्च पर हिंसक हमले किए गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मिशनरी स्कूल के बाहर जब बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सांता क्लॉस के पुतलों को आग लगा रहे थे, उस समय स्कूल के छोटे बच्चे मौजूद थे और क्रिसमस का जश्न मना रहे थे। मातृधाम आश्रम में क्रिसमस के जश्न के समय भीड़ ने घुसकर हिंसा और जय श्री राम के नारे लगाए।
हरियाणा के अंबाला के एक चर्च में ईसा मसीह की या यीशु मसीह मूर्ति तोड़ दी। हरियाणा के ही पटौदी में एक स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ ने छोटे बच्चों से हाथ पाई भी की। एक चर्च में दो लोग घुसकर प्रार्थना सभा को बाधित किया। किसी भी घटना में पुलिस ने हिंसा करने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ अनेक मामले में चर्च, स्कूल या फिर ईसाई धर्म गुरुओं पर ही मुकदमा दायर कर दिया गया है। मानवाधिकार संगठनों ने मिलकर अक्टूबर 2021 में क्रिश्चियन अंडर अटैक इन इंडिया शीर्षक में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके अनुसार वर्ष 2021 के पहले 9 महीने में ही देश भर में 21 राज्यों में ईसाइयों पर 300 से अधिक हमले किए गए, पर केवल 49 पर ही FIR दर्ज की गई। किसी को कोई सजा नहीं हुई। सबसे खतरनाक तथ्य यह है कि इस हमले में से 288 हमले भीड़ द्वारा किए गए हैं। और भी मेरे प्रिय भाई बहनों, अलग अलग जगहों पर मसीहों को सताया जा रहा है। अगली रिपोर्ट में आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड।